जानते ही पद्मेश का इंटरनेट चलता नहीं, दौड़ता है। ऑनलाइन क्लासेस हो या 4K मूवीज, बिजनेस की वीडियो कॉल्स हो या बच्चों का टाइम पास, सबका सब कुछ एक टाइम पर चले और होए नो झगड़ा, और प्राइसिंग भी ऐसी कि बटुए को भी हो नो लफड़ा। तो आप भी लगवाओ, क्योंकि हर घर के लिए पद्मेश X500 जरूरी है। वारासोली कटंगी मार्ग स्थित ग्राम पंचायत सावंगी के तुमड़ी टोला में 5 जून की दोपहर करीब 1:30 बजे निजी यात्री वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार रविंद्र पिता सुखलाल पंजेश्वर 44 वर्ष बोदलकस्सा निवासी की मौके पर मौत हो गई। वहीं रामचंद्र पिता सेवक राम कोल्ले 65 वर्ष बोदलकस्सा निवासी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका प्राथमिक उपचार शासकीय सिविल अस्पताल में कर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जिसके रास्ते में ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविंद्र पिता सुखलाल पंचेश्वर 44 वर्ष नागपुर में मजदूरी करते हैं। 4 जून को वो अपने घर नागपुर से आया हुआ था, जिसे अपने रिश्तेदार की बेटी के लिए कपड़े खरीदने थे, तो उसे वारासोली जाना था। 5 जून को ग्राम के व्यक्ति रामचंद पिता सेवकराम कोल्ले 65 वर्ष बोदलकस्सा निवासी के साथ प्लेटिना मोटरसाइकिल से वे गाँव से निकले थे। अपना कार्य करने के बाद वे वारासोली से अपने रिश्तेदार के लिए कपड़ा खरीद कर बोदलकस्सा बाईपास मार्ग के लिए तुमड़ी टोला के मुख्य मार्ग क्रॉस कर रहे थे। तभी कटंगी से वारासोली की ओर आ रही निजी यात्री वाहन ने उन्हें रोड पर जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें रविंद्र पंचेश्वर मोटरसाइकिल से छिटक कर दूर जा गिरा। तो वहीं रामचंद्र कोले भी मोटरसाइकिल से छिटक कर गिर गए, जिसको दोनों को शरीर के विभिन्न हिस्सों में काफ़ी गंभीर चोटें आई। हादसे की आवाज़ सुनकर ग्रामीण लोग दौड़े और दोनों व्यक्ति गंभीर अवस्था में वहां पड़े हुए थे। वहीं निजी वाहन मौके से फरार होकर पुलिस थाने में आ गया था। इसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस के द्वारा घटना की जानकारी ली गई। तत्काल विधायक विवेक विक्की पटेल भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर दोनों व्यक्ति को शासकीय सिविल अस्पताल भिजवाया गया, जिन्हें संजीवनी 108 की सहायता से EMT 054 पायलट के द्वारा वारासोली लाया गया, जिसमें रविंद्र पंजेश्वर की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके अस्पताल तहरीर डॉक्टर के द्वारा पुलिस थाना भेज दी गई। वहीं घायल रामचंद्र कोले का प्राथमिक उपचार कर उसे तत्काल ही एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, परंतु रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। मामले में वारासोली पुलिस के द्वारा सिविल अस्पताल पहुंचकर मृतक रविंद्र पंचेश्वर का शव पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार हेतु शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले में मर्ग कायम कर विवेचना की जा रही है। आपका नाम? इमलेश्वरी पंचेश्वर। कहाँ रहते हैं? बोदलकस्सा। ये मृतक कौन है आपका? देवर। क्या घटना हो गई? पता नहीं जी, हम तो जानते थे नहीं। आज कहाँ गया था ये? वारासोली आए थे। काहे के लिए? कपड़े के लिए आए थे। और वापस जा रहे थे? हाँ। तो ये कौन था इसके? वो कोले बाबा जी थे। और ये उधर कहाँ गए थे, सावंगी तरफ कहाँ गए थे ये? अब पता नहीं जी, हमको मालूम नहीं है। मेरा देवर है ये, उनकी पत्नी। कब काम का, कहाँ काम करते हैं ये? ये नागपुर में काम करते। तो कब आए थे? कल ही आए थे। कल ही आए थे। हाँ। राज ऐसा हो गया। हाँ। ये तुमड़ी टोला के पास एक बस चालक के द्वारा प्लेटिना वाहन से जा रहा है, बस चालक के द्वारा तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक चला रहा था, मोटरसाइकिल चालक के एक्सीडेंट का मृत्यु कर दिया। नाम पता चल पाया? हाँ, इसका नाम है रविंद्र पंचेश्वर, पिता स्वर्गीय सुखलाल पंचेश्वर, जाति मरार, उम्र 44 वर्ष, निवासी बोदलकस्सा का रहने वाला। कहाँ आ रहे थे ये? आ रहे थे वारासोली। क्या कार्रवाई की जा रही? कार्रवाई शव पंचनामा कार्रवाई किया जा रहा है, बाद में फिर मुताबिक कार्रवाई की जा रही है।